Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Jai Mataji dear students, welcome to online lecture of Dhyan Commerce. बच्चों आपका स्वागत है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर। बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने FI BCom से M2 में स्टार्ट किया है, रिडीमेबल प्रेफरेंस और कैपिटल रिडीम। आज बच्चों यूनिवर्सिटी के बेस्ट क्वालिटीज हम स्टार्ट हो रहे जा रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कैश या बैंक अकाउंट अवेलेबल हो तो कैसे वर्क होता है देखा था। अब सारे सम्स बच्चों मोस्टली उसी लेवल के हैं। आज हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 2, होमवर्क में 3, इलुस्ट्रेशन 12 देखना है, पेज नंबर 96, व्हेन कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन। टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और कैलसी के साथ ज्वाइंट हो जाओ। रेडी बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, ना हो बच्चों अगर YouTube से आप लाइव लेक्चर देख रहे हो गुजरात के बाहर तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF लिंक इसका रखा हुआ है। ऑन 31 मार्च द बैलेंस शीट ऑफ नंदिनी लिमिटेड एज फॉलो। नंदिनी कंपनी का एक बैलेंस शीट है बच्चों जो आप देख सकते हो। उसके बाद पैराग्राफ में ऑन दिस डेट कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस ऑफ 10 ईच आफ्टर 10% प्रीमियम कंप्लाइंग एज पर 2013 एक्ट। 2013 कंपनी एक्ट के मुताबिक कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम की, जिसमें कंपनी ने 10% रिटर्न प्रीमियम दिया। फॉर दिस पर्पज नंबर ऑफ इक्विटीज ऑफ 100 ईच वेर इश्यूज विथ 20% प्रीमियम। आना माटे कंपनी शेयर इश्यू करा, कितने किए हमें नहीं पता है। बैंक बैलेंस 88,000 रिटर्न करो बच्चों। जयरे सम्मा बैंक बैलेंस आप ही दो बच्चों तो आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के डिस्ट्रीब्यूशन में इक्विटी कैपिटल कैश और बैंक अकाउंट में से मिलेगा। All the investments sold away at 180. The preference shareholder paid in full. Pass necessary general entries in the books of company and prepare balance sheet. चलो बच्चों, अब सबसे पहले जब भी हमें पेमेंट करना हो मैं आपके सामने ये केस टेबल बनाता हूँ बच्चों। ये सबसे पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और यहाँ लिखते हैं बच्चों हम रिडेम्पशन प्रीमियम। ठीक है, सबसे पहले कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न करनी है तो बैलेंस शीट पेज नंबर 97 इरिडीमेबल नहीं लेवानी, रिडीमेबल प्रेफरेंस और कैपिटल है बच्चों 3 लाख डिवाइड बाय 100 करोगे तो 3000 × 100 3 लाख और प्रीमियम उसके ऊपर लोगे बच्चों 10%। अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये 30,000 या फिर आप सीधा 3 लाख का 10% ले सकते हो। यानी टोटल अमाउंट हमें रिटर्न करनी है बच्चों 3,30,000 ऐसा हम कह सकते हैं। ये पहले पॉइंट के अंदर बच्चों खाली आपके सामने आया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट जो आपको कितना रिटर्न करना है वो देखना है। अब बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए आपने क्या किया है तो पैराग्राफ में बोला है फॉर दिस पर्पस न्यू इक्विटी शेयर इश्यूज लेस न्यू इक्विटी कैपिटल। पर ये बच्चों मुझे पता नहीं है रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए, तो रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए बच्चों सबसे पहले मेरे पास ट्रायल बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम है 10,000। अब बच्चों बाकी 20,000 के लिए मुझे पता नहीं है मैं क्या करूँ क्योंकि नया शेयर पैराग्राफ में प्रीमियम से इश्यू हो रहा है। अब बच्चों ये पूरी प्रोसीजर को और कंप्लीट करने के लिए मुझे बनाना होगा कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये अकाउंट बना के बच्चों मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा बैलेंस। ठीक है, चलो पर्टिकुलर रुपीज़ कैश और बैंक में से बच्चों आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इक्विटी कैपिटल इश्यूड विथ प्रीमियम। नज़र अंदर बच्चों, ध्यान अंदर। अब ये अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है वो बच्चों पहले से ही फिक्स है, देखते जाओ। सबसे पहले 2BD कैश एंड बैंक नो ओपनिंग बैलेंस बाय CD। उसके बाद बच्चों 2 इन्वेस्टमेंट सोल्ड, आपने इन्वेस्टमेंट बेचो तो पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। 2 प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, प्रेफरेंस शेयर का फाइनल कॉल मिले बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। और फिर 2 न्यू इक्विटी कैपिटल विथ प्रीमियम, ये बच्चों आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर यहाँ आप टोटल करोगे क्रेडिट साइड पे बच्चों जितनी कैपिटल रिटर्न करनी हो बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बाय रिडेम्पशन प्रीमियम, ये टोटल। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका कैश एंड बैंक अकाउंट का फॉर्मेट। अब कैसे मैं ये अकाउंट में से बच्चों वर्किंग करके इक्विटी कैपिटल और प्रीमियम फाइंड करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। चलो पहले ट्रायल बैलेंस शीट जो दिया उसमें जो कैश और बैंक है वो ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस शीट में आप यानी ओपनिंग बैलेंस समझवानो लास्ट ईयर नो हवालो, पैराग्राफ में आप बच्चों क्लोजिंग ये रहा। उसके बाद बच्चों यहाँ जो प्रेफरेंस रिटर्न करनी है उसकी वैल्यू आपको बताया, प्रेफरेंस के कैपिटल है 3 लाख, प्रीमियम है 30, टोटल 330। ठीक है, उसके बाद फाइनल कॉल सब में है नहीं बच्चों डेस्क और इन्वेस्टमेंट बेचे हैं उसमें से पैसे आए हैं 1,80,000। अब बच्चों मैं क्रेडिट साइड का कैलकुलेटर से टोटल करूंगा, मेरे पास कोई मदद नहीं है बच्चों, मैं आपके सामने लाइव टोटल कर रहा हूँ। 3,30,000 88,000 टोटल आएगा बच्चों 418, ये रखा 418 और 418 में से बच्चों मैंने माइनस किया ओपनिंग बैलेंस 82 180 और जैसे मैंने माइनस किया बच्चों आई थिंक मेरे सामने आया 1,56,000। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। फर्स्टली अमाउंट ऑफ 50,000 इज कोल्ड ऑन प्रेफरेंसेज। ओ जैसे बच्चों बनाने गया मेरी नज़र गई, एक और पॉइंट रह गया बच्चों, यस यहाँ गलती थी मुझे पता चल गया। सब में 2 प्रकार के प्रेफरेंसेज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओह इक्विटी के नीचे देखो बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंस है 80 पेड अप। ओह तो 80 पेड अप हो बच्चों तो मुझे उसके ऊपर फाइनल कॉल लेना पड़ेगा, यस तो ये इक्वेशन भी बदल जाएगा। हाँ जैसे नजर गई बच्चों अब रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल ये हो गई फर्स्ट वाली 3 lakhs और सेकेंड वाली रिडीमेबल प्रेफरेंस के लिए बच्चों मुझे 1,60,000 को 80 से डिवाइड करना होगा। अदर रिडीमेबल प्रेफरेंस एयर कैपिटल 1,80,000 है या सॉरी 1,60,000 है बच्चों बे प्रेफरेंस एयर और जैसे डिवाइड किया उसको 80 से बच्चों सम में पता चला मैं 2 प्रेफरेंस एयर कैपिटल है 1,60,000 डिवाइड बाय 80 तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस एयर आए बच्चों 2000 और उसके ऊपर हफ्ता बाकी है 20 रुपये फाइनल कॉल। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 40,000 रुपीज़ आएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ बच्चों मुझे गिनती दिखानी हो तो इसको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। 3,000 शेयर इंटू 100 3 lakhs, सेकेंड में बच्चों ये 2,000 शेयर आए, हफ्ता मिल जाता है फाइनल को ऐसी धारणा 100 रुपये 2 lakhs टोटल। अब बच्चों मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 5 lakhs, इस तरफ उसका 10% प्रीमियम तो गिनती करनी हो तो 5,000 इंटू 10 50,000 या फिर 10% 5 लाख का 10%। क्लियर बच्चों, तो अब मुझे यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखनी हो तो 5 लाख अने 50,000 टोटल भी चेंज हो जाएगा 550। तो कई बार बच्चों गलती करने से भी कुछ सीखने मिलता है, देख लो। और फाइनल कॉल 2000 शेयर पे 20 रुपये फाइनल कॉल के आए 40,000। अब बच्चों मैं क्रेडिट साइड का टोटल करने जा रहा हूँ 550 प्लस 88 टोटल होगा 6,38,000। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 638 में से बच्चों मैं माइनस करूँगा 1,80,000 82,000 और उसके बाद 40,000 तब मुझे मिलेगा मैजिकल फिगर ऑफ इक्विटी कैपिटल 336। बच्चों आंसर आपके पास है, चेकिंग कीजिए, यस एकदम सही है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे इशू किया है 20% प्रीमियम से, किसी को डाउट है? अब बच्चों डखा ये है, ये जो वैल्यू है उसमें से आपको कैपिटल और प्रीमियम को अलग करना है। कैसे करोगे तो यहाँ देखो बच्चों इक्विटी कैपिटल विथ प्रीमियम 336 इसके 2 टुकड़े करने हैं मुझे। मुझे इस तरफ चाहिए इक्विटी कैपिटल, यहाँ चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम। अब उसके लिए बच्चों मैं सेकंड पैराग्राफ फिर से बनाऊँ। फॉर दिस पर्पज नंबर ऑफ इक्विटी रेशियो ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम 100 रुपयानो शेर 20% प्रीमियम यानी टोटल कितना हुआ 120। इसको 120 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 120 करोगे बच्चों तो मैजिकल फिगर आएगा 2800 शेर। कितना आएगा 2800 शेर और फिर यहाँ उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और 2800 को 20 से 280 अने 56,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ इक्विटी कैपिटल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे जैसे बैंक अकाउंट बनाया अब मुझे कैपिटल और प्रीमियम मिल गया है, ठीक है। चलो अब बच्चों मुझे यहाँ प्रेफरेंस और कैपिटल का यूज़ क्या करना है, नई इक्विटी कैपिटल कितनी यूज़ करूँ तो बोले 2,80,000 5 लाख में से 2 गए 3 लाख 3 में से 80 गए 2,20,000 और इस तरफ 50,000 उसमें ओल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 कितने कम पड़े 40,000, ठीक है। अब बैलेंस शीट मारी 10 लीधो, अब 40 के सामने 56 है उसमें से ले लूँ, यस न्यू सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000। अब आपको याद ये रखना होगा बच्चों 10 पुराना यूज और 56 में से 40 यूज़ किया तो नई बैलेंस शीट में मात्र बचेगा 16,000, ठीक है। और इस तरफ बच्चों कैपिटल में 2,20 है जिसके लिए मेरे पास जनरल रिजर्व है, पीएनएल है। तो सबसे पहले मैं बच्चों यूज़ करूँगा हमेशा जनरलिज्म। 1,10,000, दो 20 में से 1 10 गए और कितने चाहिए, बाकी 1 10 कहाँ से लूँ मैं, डेंजरस PNL। इस प्रकार से बच्चों ये पूरे क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हुआ। इसके बाद बच्चों मुझे बॉर्ड रफ करना पड़ेगा, उसकी मैं एंट्री लिखूंगा और फिर बैलेंस शीट बनेगा। यानी पूरे क्वेश्चन को बच्चों बोर्ड पे लेना ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मैंने बोर्ड पे वर्क किया बच्चों इसके ऊपर ही टॉपिक है। तो एकदम आराम से आप वीडियो पोस्ट कीजिए और क्वेश्चन 2 का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है और कैश और बैक अकाउंट लिखिए। इसके बाद मैं आपके सामने एंट्री लेने जा रहा हूँ। चलो अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अकाउंटिंग एंट्री। अब बच्चों एंट्री से पहले ही हमने पोस्टिंग कर दिया है पर हमें एंट्री समझनी होगी। सबसे पहली एंट्री के बच्चों व्हेन फाइनल कॉल ड्यू। सबसे पहले आप फाइनल कॉल की प्रोसीजर करोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री फाइनल कॉल रिसीव हो बच्चों, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ये हो गई आपकी पहली 2 एंट्री जिसके अंदर बच्चों आपने 2000 शेयर पे फाइनल कॉल रिसीव किया था। 2000 शेयर थे, उसके ऊपर 20 रुपया, 40,000 ऑलरेडी आपने बैंक अकाउंट में लिख दिया है पर एंट्री बच्चों उसके बाद कर रहे हैं। तीसरी एंट्री व्हेन इट इज डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करने का हमने डिसीजन लिया, यस। तो उसमें क्या एंट्री होगी, तो सबसे पहले टोटल जो आपने टेबल में लिया था वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगी 5 लाख, रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू, ये उसके मालिक के अकाउंट में जाएगी जिसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 550। उसके बाद बच्चों 4 नंबर में होगी मेकिंग प्रोविज़न। अब आपने प्रोविज़न क्या किया बच्चों, तो सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड GR में से पैसे लिए, GR अकाउंट डेबिटेड 1,10,000, फिर आपने लिए PNL में से, PNL डेबिटेड 115 टू CRR 2,20,000। इस प्रकार से बच्चों आपने जो प्रोविज़न की थी उसकी एंट्री होगी। अब एंट्री बोर्ड पे देख सकते हो बच्चों, यस, GR अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट टू CRR। थोड़ा बच्चों एंट्री कट ऑफ हो रहा है तो आप लोग देख लेना, GR डेबिट, PNL डेबिट टू CRR, ठीक है, इस तरफ होगा बच्चों। नेक्स्ट एंट्री 5 नंबर व्हेन न्यू शेयर्स आर इश्यूड। नए शेयर इश्यू करो तो बच्चों पैसे मिलेंगे कंपनी को। टोटल बैंक में 3,36,000 थे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 3,36,000 टू इक्विटी कैपिटल 2,80,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम आई थिंक 56,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों नेक्स्ट एंट्री होगी 6 नंबर की, लेफ्ट साइड बोरा और राइट साइड, व्हेन रिडेम्पशन प्रीमियम रिटर्न ऑफ। जब रिडेम्पशन प्रीमियम को रिटर्न ऑफ करो किसके सामने सेटिंग किया बच्चों, उसका सिक्योरिटी प्रीमियम, पुराना नया लिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू रिडेम्पशन प्रीमियम। ये बच्चों एंट्रीज आपको याद रखनी होगी और प्रोसीजर पूरी हुई बच्चों। अब मालिक को पेमेंट, व्हेन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस होल्डर, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अमाउंट पेड की जाए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टोटल वैल्यू 550 टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट 550। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ बच्चों एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी व्हेन इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, तो बैलेंस शीट के अंदर बच्चों इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 190। हाँ, आपने सोल्ड कितने में किया, तो सोल्ड किया बच्चों 180 में। कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ 10,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, बराबर ध्यान से देखना, ये फर्स्ट टाइम आपके सामने आ रहा है। सेल करोगे बच्चों तो पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड 180। लॉस कहाँ ले जाओगे बच्चों? लॉस जाएगा पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू इन्वेस्टमेंट जाए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब क्वेश्चन ये है बच्चों, क्या नई बैलेंस शीट बनाओगे उसमें ये आएगा? नहीं बच्चों, नई बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी है तो उसकी एंट्री नहीं आएगी। अब बच्चों मुझे बोर्ड पे दिख रहा है वीडियो के अंदर ये लास्ट एंट्री कट हो रही है, तो मैं थोड़ा उसको ऊपर ले लेता हूँ। एंट्री नंबर 4 मेकिंग प्रोविजन जी आर अकाउंट डेबिटेड 110, पी एन एल अकाउंट डेबिटेड 110 टू सी आर आर 2,20,000। ये सारे पॉइंट के असर बच्चों आपको बैलेंस शीट में देनी है। अब बच्चों इसको टुकड़ों में हमें समझना है, इसके बाद ये हमका थर्ड पड़ाव स्टार्ट होगा। अब देखो नई बैलेंस शीट बनाओगे उसके अंदर बच्चों ये जो जीआर और पीएनएल वो ले गए, सीआरआर में नया रिजर्व आएगा, सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम पुराना 10,000, नया 50, नया 56 है, टोटल 66 में से 50 जाएगा, बाकी का दिखाना है। इन्वेस्टमेंट आपने सेल किए वो नहीं आएंगे, ठीक है। इस प्रकार के बच्चों छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, सारी एंट्री नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आफ्टर रिडक्शन बैलेंस शीट। नाउ वी आर टेकिंग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाते समय बच्चों आगे जो आपने वीडियो पोस्ट करके 2 बार नोटिंग किया ना वो सब यहाँ यूटिलाइज करना होगा, कोई भी भूल पड़े तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप लोग ध्यान रखते रहना, ठीक है। चलो बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। पर्टिकुलर्स ₹। पुराना बैलेंस शीट देखते जाओ बच्चों और उसमें चेंज करते जाओ। पहला हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, उसमें 1 नंबर शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। उसके अंदर बच्चों स्मॉल ए जिसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल और उसके अंदर सबसे पहले आएगा बच्चों इक्विटी कैपिटल। पुरानी बैलेंस शीट टेक्स्ट बुक में से ले लो, ये रही इक्विटी कैपिटल 4 लाख। अब सोचो बच्चों आपने आगे सम में एंट्रीज लिखी, उसमें कोई नई कैपिटल इश्यू की, आपने एंट्री लिखी थी बैंक अकाउंट डेबिट 336 टू इक्विटी कैपिटल, यस, तो न्यू कैपिटल कितनी आई? यस, कैपिटल आई 280, टोटल कितना हो गया बच्चों 680। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, सेकंड प्रेफरेंस एर कैपिटल रिडीम हो गई वो नहीं आएगा, प्रेफरेंस ड्यू नहीं आएगा, खाली इरिडीमेबल प्रेफरेंस एर आएगी, इरिडीमेबल प्रेफरेंस एर कैपिटल, उसको हमने छुआ नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आया, सेम टू सेम। उसके बाद है बच्चों बी रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर है बच्चों जनरल रिजर्व हमने यूज कर लिया, पीएनएल। अब देखना बच्चों पीएनएल कितना यूज किया, पीएनएल है 140 जिसमें से हमने बोनस में यूज किया बच्चों मेरे ख्याल से 1,10,000। इन्वेस्टमेंट का लॉस आया वो आया लगभग 10,000। इस प्रकार से बच्चों 140 में से 120 लेस करोगे तो बचे 20,000 यहाँ दिखाना होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास बच्चों ओल्ड 10,000 था, लिख के ही करते बच्चों, ओल्ड 10,000 प्लस न्यू इक्विटी कैपिटल में आया 56,000, टोटल हो गया 66,000। उसमें से आपने यूज़ कर लिया बच्चों आई थिंक 50,000, तो बचा कितना 16,000। ओह, ये सब याद रखना पड़ेगा। हाँ बच्चों, इसके बाद एक नया रिजर्व आया दैट इज कॉल्ड सीआरआर न्यू, कितना था बच्चों आई थिंक 2,20,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब याद रखना पड़ेगा। हाँ चलो, अब इस तरफ बैलेंस शीट को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं नज़र बोर्ड पे। चलो रिजर्व के बाद बच्चों सेकंड पॉइंट है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी के अंदर है ए ट्रेड पेबल, जिसके अंदर क्रेडिटर है बच्चों जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जिसका कोई एडजस्टमेंट ना हो बाड़ा को उसको सेम टू सेम टपका दो। अब बच्चों आपका बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट मेरे ख्याल से पूरा हुआ। टोटल कर ले बच्चों 6,80,000 प्लस 120 प्लस 16,000 प्लस 220 प्लस 80 11,16,000 एकदम सही है बच्चों, एक ही झटके पे आंसर। कई बार मेरी भी गलती हो जाती है ऑनलाइन में बच्चों, मेरे पास आंसर रेडी नहीं है, पर यहाँ देख सकते हो आप एक ही झटके में आंसर आ चुका है। अब आएगी असेट्स, उसके अंदर सबसे पहला हेडिंग आएगा नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर बच्चों ए आएगा फिक्स्ड असेट्स, उसमें सबसे पहले लेना है लैंड जिसमें कोई चेंज नहीं है बच्चों, 1 लाख। बिल्डिंग जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों 283। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे पॉइंट बच्चों हमें सेम टू सेम लिखना है। कैपिटल डिडक्शन में इसमें कोई असर नहीं होती। बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए, जिसको बेच दिया वो नहीं आएगा, ठीक है। सीधा 2 नंबर करंट असेट्स, उसमें ए इन्वेंटरीज जिसमें स्टॉक कोई हवालो नहीं, स्टॉक सेम टू सेम कॉपी। उसके बाद बच्चों बी ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर आएंगे डेंजरस डेटर जिसमें कोई चेंज नहीं है। और लास्ट में है बच्चों कैश अने कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर बच्चों कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस लेना है। और जैसे में बच्चों कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस ढूंढने गया, पर बैंक अकाउंट हमने पहले ही बना दिया, देखो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग बैलेंस आपेलू है, प्लस माइनस करके हमें 88,000 ऑलरेडी रिसीव हो गया है। अब बच्चों इसका टोटल अगर 11,16,000 मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। मैं चेकिंग कर रहा हूँ बच्चों, यस मैं माइनस करके चेक कर रहा हूँ बच्चों। एग्जैक्टली मैच हो जाता है बच्चों। ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाला मोस्ट एमपी सम नंबर 2। एकदम आराम से बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और पूरा बैलेंस शीट नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं सम नंबर 34 ब्रैकेट में 6 पेज नंबर 128। रेडी, एक बड़ा सम किया बच्चों एंट्री बैलेंस शीट वाला, और दूसरा बड़ा करो तो आप ऑनलाइन में बोर हो जाओगे, तो हमें एक बड़ू सम एक छोटू सम करना है। मोस्ट एमपी गुजरात 15 गुजरात 17। After explaining provision of section 55, redeem preference in detail, you are required to pass general entry in the books of Hiran Limited from the following information. Hiran Limited wants to redeem 50,000 equity share of 12% redeemable preference shares of 10 each at 10% premium. Balance of certain accounts before redemption as follow. फिर कैश बैलेंस है, PNL है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट है। बीजो पैराग्राफ वाँचो जो ध्यान आपजो। हिरन लिमिटेड सेल्स द इन्वेस्टमेंट बाय चार्जिंग 1/3 प्रॉफिट। अब ये बच्चों इन्वेस्टमेंट कैसे बेचे वो मुझे आपको सिखाना है। कंपनी विल क्लोजिंग कैश बैलेंस 60,000, कैश और बैंक बैलेंस दे दिया मैंने बच्चों, बोला ना आज से लेक्चर से यूनिवर्सिटी में सारे सम कैश बैंक वाले हैं। आगे कंपनी बैलेंस एट आफ्टर रिडम्पशन ऑफ कंपनी विल इश्यू इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच एट 15, पर कितने प्रेफरेंस है वो कैश और बैंक में से मिलेंगे। कंपनी रिसीव ऑल मनी एंड द शेयर इश्यू। चलो बच्चों अब मैं टेक्स्ट बुक यहाँ रख रहा हूँ आपके सामने, मेरे पास कोई टोटल की मदद नहीं है बच्चों, तो मुझे अपने आप ही करना होगा। सबसे पहले मैं आपके सामने टेबल बनाऊंगा, यस रिडीमेबल प्रेफरेंस एयर कैपिटल, और इस तरफ थोड़ा दूर बच्चों यहाँ लिखेंगे हम रिडेम्पशन प्रीमियम, और फिर बच्चों इस तरफ मैं आपके लिए बनाऊंगा कैश अने बैंक अकाउंट, ठीक है। अब कॉस्ट कैश और बैंक अकाउंट के अंदर बच्चों क्या क्या आता है ये फिक्स है, ये कब बनाना है जब आपके पास बैंक या कैश का क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल हो, ठीक है। पर्टिकुलर रुपीज सबसे पहले इसके अंदर आता है बच्चों ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड आता है क्लोजिंग बैलेंस, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट बचे हो तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड, प्रेफरेंस शेयर का फाइनल कॉल मिला हो तो फाइनल कॉल, और फिर यहाँ आएगा बच्चों न्यू इक्विटी कैपिटल विथ सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपको ढूंढना होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ फिर टोटल करोगे क्रेडिट साइड बाय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिडेम्पशन प्रीमियम, ठीक है। ये हो गया मिनिमम बच्चों, इतना आपको ड्राइंग में करना है। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों तो मेरे पास जो ट्रायल बैलेंस शीट का डेटा है उसमें कैश और बैंक का बैलेंस है, उसे ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे 10,000। पैराग्राफ के अंदर मेरे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 60,000, फाइनल कॉल सम में है नहीं। अब बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितना रिटर्न करना है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे दिख रहा है 50,000 शेयर, जो 12% रेट है बच्चों वो डिविडेंड का है जिसका कोई उपयोग नहीं है, 10 रुपये मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 5 लाख। 10% रिडेम्पशन प्रीमियम यानी रिटर्न प्रीमियम 50,000 टोटल अमाउंट हमें रिटर्न करनी है बच्चों, जो मैं इस प्रकार से आपको सिखाता हूँ, जो कहीं भी टेक्स्ट बुक में नहीं है। 5.5 लाख रुपये पाछा आप बनत पैसे वापस करो तो होल्डर टू कैश होगा, तो एंट्री करने से पहले बच्चों यहाँ पेमेंट लिख देना है। यस 5 लाख और 50,000 ये हो गया पेमेंट। ठीक है, अब बच्चों इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी सब में नहीं है, डेस्क है सॉरी है बच्चों, इसको ढूंढना पड़ेगा बच्चों। तो उसके लिए नोटिंग नोट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है बच्चों? यस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट अभी जो 20,000। कैसे बेचा? 1/3 प्रॉफिट ऑन सेल, 1/3 प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब बच्चों पहली बात, आपके पास क्या सेल्स है? नहीं, मारी जोड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कॉस्ट। अकाउंटेंसी का नियम बच्चों, जिसके ऊपर प्रॉफिट बुलाओ ना करो, क्या करोगे? सपोज सेल प्राइस 100 रुपये, उसमें से 1/3 प्रॉफिट। 1/3 का मीनिंग क्या होगा बच्चों? 33.33। 100 का मैं 1/3 निकालता हूँ बच्चों, 33.33 आएगा। जैसे माइनस करोगे तो नीचे कॉस्ट आएगा 66.667। अब मैं पद रख रहा हूँ 66.667 पे कॉस्ट वैल्यू 10,000, तो 100 पे सेल्स हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों 10,000 इंटू सॉरी 20,000 कॉस्ट है बच्चों, 20,000 इंटू 100 अपॉन 66.66667 ज़्यादा करूँगा बच्चों तो एग्जैक्टली 30,000 आएगा। तो 30,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ सेल्स। इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितना आया बच्चों? 30,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या नया सीखा बच्चों? तो ये क्वेश्चन के अंदर हमने ये सीखा कि कैश और बैंक बैलेंस अवेलेबल है बच्चों, फिर भी हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड के अंदर प्रॉफिट का पद रख के उसे ढूंढा। अब बच्चों मुझे टोटल करना हो तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा 6,10,000, यहाँ आएगा 610, फाइनल कॉल है नहीं। 6,10,000 में से बच्चों मैं माइनस करूँ 40 तो बचेगा मेरे ख्याल से 5,70,000। 570 इज द मैजिकल फिगर ऑफ कैपिटल। अब यहाँ बच्चों मुझे सबसे पहले यूज़ करना है न्यू इक्विटी कैपिटल, जो मुझे पता नहीं है। यहाँ मुझे यूज़ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम, पता नहीं है। पर यहाँ बच्चों मेरे पास न्यू इक्विटी कैपिटल आ चुकी है 570। अब उसके मुझे दो भाग करना है बच्चों, उसमें से चाहिए मुझे इक्विटी कैपिटल और उसमें से चाहिए मुझे प्रीमियम। कैसे अलग करूँ? तो जो 5,70,000 ना शेर से बच्चों सम्मा सूचना आप पीछे 10 रुपये का शेर 5 रुपये प्रीमियम से इश्यू किया, तो इसको 15 रुपये से डिवाइड करो। जैसे 5,70,000 को बच्चों आप डिवाइड बाय 15 करोगे, ओह 38,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और जैसे यहाँ आया 38,000 इंटू 10 380, यहाँ 38,000 इंटू 5 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी आई थिंक 190। फिर भी बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ है कि नहीं, मुझे पता नहीं है बच्चों, मेरी भी कोई गलती हो सकती है, मुझे चेकिंग करना होगा। यस मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों, आंसर में देख रहा हूँ मैं 550 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाता है। यस 570 है जिसमें 38,000 इक्विटी शेयर्स है एट अ प्रीमियम ऑफ 5। एकदम सही है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बच्चों मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो 5 लाख कैपिटल है, उसके लिए हमने नए शेयर इश्यू किए 380। जैसे बच्चों ये 380 माइनस करूँ मैं, हाँ 5 लाख में से 3 गए 2 लाख, 2 में से 80 गए 1,20,000। अब बच्चों ये जो 1,20,000 बचा है उसके लिए पैसे कहाँ से लेंगे? तो अब मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व और पीएनएल दोनों पड़ा हुआ है बच्चों, कुछ भी ले सकते हो जीआर पीएनएल भाई भाई। तो मैं बच्चों ले लेता हूँ जीआर में से, कोई यहाँ पीएनएल है तो भी मार्क कपाए नहीं। देख लो बच्चों आंसर में, यस 120 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल, सर एकदम सही है। और अब बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम है या सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, पर नए शेयर इश्यू के उसमें फाड़ू प्रीमियम है बच्चों 190 ले लूँ तो सिक्योरिटी प्रीमियम नया वाला ये 190 में से ले लिए मैंने 50,000। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटा सा मैं बच्चों इसके अंदर उन्होंने एंट्रीज मांगी है और आपको खाली वर्किंग करना है बच्चों। वीडियो पोस्ट कीजिए, सेम आगे वाले सम की तरह हमारे पास एक टेबल है जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रीमियम के पैसे रिटर्न किए, पर वो दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कैश एंड बैंक अकाउंट। वीडियो पोस्ट करके कैश और बैंक और नीचे जो नोटिंग है उसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लेने जा रहे हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। चलो अब बच्चों आपने जो वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन किया है उसके लिए मैं लेने जा रहा हूँ अकाउंटिंग एंट्री, एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ओके, पहली एंट्री व्हेन इट इज डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब बच्चों कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिटर्न करने का डिसीजन ले, कितनी थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिटेड, वैल्यू थी बच्चों मेरे ख्याल से 5 लाख, रिडेम्पशन प्रीमियम या रिटर्न प्रीमियम डेबिट, वैल्यू थी 50,000 टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। सबसे पहले बच्चों वैल्यू मालिक के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। सेकेंड एंट्री बच्चों इसके लिए हमने नए शेयर इशू किए, यस वैन न्यू शेयर इश्यूड। कितने के इश्यू किए थे बच्चों, तो बैंक अकाउंट के अंदर अगर आपने आगे का नोटिंग रखा हो ये देखते समय तो टोटल थे 570 के, बैंक अकाउंट डेबिटेड 5,70,000 टू इक्विटी कैपिटल 380 અને टू सिक्योरिटी प्रीमियम, आई थिंक सिक्योरिटी प्रीमियम था 190। यस, थोड़ा ऑकवर्ड था बच्चों, अगर याद हो तो 38,000 शेयर इंटू 5 रुपये, ठीक है, और यहाँ 38,000 शेयर इंटू 10, ठीक है। एंट्री नंबर 3 बच्चों, अब मैं एंट्री इस तरफ लेने जा रहा हूँ, थर्ड मेकिंग प्रोविज़न। अब बच्चों आपने बाकी बचे हुए पैसों की प्रोविज़न कहाँ से की थी, तो बोले जीआर में से कितने लिए थे 1,20,000, जीआर अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 टू सीआरआर। फिर से बच्चों सीआरआर का फुल फॉर्म याद है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, थोड़ा बच्चों ठीक से लिख देते हैं। उसके बाद बच्चों चौथी एंट्री व्हेन रिडेम्पशन प्रीमियम रिटर्न ऑफ। रिडेम्पशन प्रीमियम का सेटिंग किस में से किया था बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम में से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट 50,000। उसके बाद बच्चों 5 नंबर की मेन एंट्री, अब मालिक को पेमेंट कर दो, व्हेन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब होल्डर को पेमेंट कितना करना था बच्चों, होल्डर में 5,50 है, तो एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 550 टू कैश या फिर बैंक अकाउंट 550। ये हो गई बच्चों 5 बेसिक एंट्री, और इसमें आपने एक और एक्स्ट्रा एंट्री की थी व्हेन इन्वेस्टमेंट सोल्ड विथ प्रॉफिट, जिसमें आपके पास कॉस्ट प्राइस थी 20,000 और सेल्स प्राइस थी 30,000। अब बच्चों याद आया जो आपने वर्किंग किया था, एंट्री करनी हो तो सेल करोगे पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कॉस्ट प्राइस 20,000 और प्रॉफिट कहाँ जाएगा बच्चों टू पीएनएल अकाउंट 10,000। तो अगर बच्चों बैलेंस शीट बनानी होती तो नए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, पर पीएनएल के अंदर बच्चों प्रॉफिट प्लस होता 10,000। This is called outstanding entries of sum number 34। ब्रैकेट में बच्चों सेम डिट्टो टू डिट्टो कॉपी आपको करना है 6 नंबर। तो अब बच्चों आपको टॉपिक एकदम स्टेबल मोड में लगना चाहिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पूरे टॉपिक में। सबसे पहला पॉइंट, कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी है, आज आपने पहले सम में देखा मेरे से भी गलती हुई थी, रीडिंग ना करो। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक पार्टली पेड दूसरी फुल्ली पेड, तो सबसे पहले टोटल कैपिटल डिसाइड करो, फिर उसके लिए आपको नए शेयर इश्यू करने हैं रिजर्व वो डिसाइड करो, रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डिसाइड करो, फिर एंट्री लिखो, और उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट। और कई बार इस प्रकार के समझाते हैं जिसमें खाली एंट्री से आपको कंप्लीट करना है। तो फंडा बेसिक अगर क्लियर कर लेते हो बच्चों तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है। ये टॉपिक मोस्टली ऑल्टरेशन 1 कंसोलिडेशन एंड बोनस शेयर के ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो तीनों टॉपिक इजी है बच्चों, कंसोलिडेशन भी करवा दिया, बोनस शेयर भी करवा दिया, इसको भी अच्छी तरह करोगे तो काम हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो कैश और बैंक वाली मेथड यूनिवर्सिटी के लास्ट 5 साल में 4 बार आ चुकी है, ठीक है। तो अच्छी तरह तैयारी करिए बच्चों, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड का यूज किए और यूनिवर्सिटी में टॉप रिजल्ट लाइए, ओके। क्योंकि ध्यान कॉमर्स का एक ही टारगेट बच्चों, ध्यान कॉमर्स इक्वल टू बच्चा वर्सेस कॉमर्स मींस ध्यान कॉमर्स। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.